सड़कें तो खराब है और एकदम खराब है, खड्डे तो इतने सारे है। महंगाई तो मार डाला है यार, महंगाई है साला, महंगाई कितना है यार। हम तो बोलते हैं दूसरी और आए तो बेटर रहने, और आना भी चाहिए। कैदानी के बाप का है, जब चला तो बाप बुला देता है। खाली बातें कर रही है वो, सरकार कुछ भी नहीं करती है अभी। हम तो आम आदमी पार्टी को एक बार ही मौका देना चाहिए ना। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो यार, उसको बीच में लो ही मत। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? बिखा भाई। बिखा भाई क्या लगता है यहाँ पर काम हुआ इस बीजेपी सरकार में? मालूम नहीं मुझे। आप तो रोड ऑटो चलाते हैं, जगह जगह जाते होंगे, सड़कें वड़के कैसी लगती हैं? सड़कें तो खराब है और एकदम खराब है, खड्डे तो इतने सारे है, 50 फुट जाए तो खड्डे आ जाते हैं, इतने सारे खड्डे। सरकार कहती है गुजरात मॉडल बना दिया है हमने, बहुत बढ़िया गुजरात है। खाली बातें कर रही है वो, सरकार कुछ भी नहीं करती है अभी। मतलब गरीबों के लिए उस हिसाब से काम नहीं हुआ है। हाँ क्या लग रहा है 27 साल बाद फिर किसको देख रहे हैं आप, किस पार्टी को वोट देंगे? अब तो जो हमने पहचाना नहीं है वो देखे तो केजरीवाल आए ना, वो उसको देंगे। केजरीवाल से उम्मीद लग रही है आपको कुछ काम करेंगे? हाँ, उसने दिल्ली में करके बताया, उसके वजह से हमको लगता है कि वो गुजरात में आके करेगा। मतलब दिल्ली के काम से आपको लग रहा है कि शायद केजरीवाल गुजरात में कुछ अच्छा करेंगे? हाँ। आप बदलाव चाहते हैं इस बार, है ना? हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप व्यस्त ना हो तो आपसे बात कर सकता हूँ, नाम बता दीजिए सर। दिनेश भाई। दिनेश भाई आप भी यहीं के रहने वाले हैं, ऑटो ही चलाते हैं ना आप भी? हाँ। क्या लगता है सर विकास हुआ है गुजरात सरकार में? आपको नहीं लगता क्या? काम कई लोगों से बात कर रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ विकास तो हुआ है लेकिन बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। महंगाई मार डाला है यार, महंगाई है साला, महंगाई कितना है यार। मतलब आम आदमी तो यार हालत बिगाड़ दी है, क्या खावे क्या पिए। अच्छा सरकार एक चीज कहती है अगर महंगाई है तो हमने लोगों की आमदनी भी दोगुनी कर दी है, आपको आपकी आमदनी दोगुनी हुई है? कहाँ से हुई? देखो ये गैस 26 रुपये था, 25 रुपये जब मैं वही लाइन में आया, आज साला कल 3 रुपये बढ़ा दिए सीधा बिना डेली 2-3 रुपये बढ़ जाते हैं डेली। ये अदाणी के बाप का है, जब चला तो भाव बढ़ा देता है, ये क्या है? मतलब गरीब आदमी बहुत ज़्यादा त्रस्त है। अच्छा ये बताइए आप जिस तरीके से गैस वैस जलवाते हैं ऑटो में, दिन भर काम निकल आता है उतना? अरे नहीं निकलता है अब, अब नहीं पहले जितना नहीं होता है, कितनी ऑटो हो गई और भाव बढ़ा दिया, मतलब खाना खर्चा चल रहा है जैसे, बस बचत नहीं कर पा रहे। महंगाई है ये मानते हैं आप भी? तो है ही है ना, सरकार मना करती है कि महंगाई है ही नहीं, तो कांग्रेस ने खाली लोगों को बहका रखा है। कांग्रेस की तो बात ही छोड़ो यार, उसको बीच में लो ही मत, उसको लेते ही नहीं है। तो अच्छा आप किसको देख रहे हैं फिर इस बार, वोट आपका किसको जाएगा? आम आदमी पार्टी है और बीजेपी है? आम आदमी पार्टी का चांस ही नहीं है यार गुजरात में, किसी का चांस नहीं है, चांस नहीं है। तो मोदी है जो है वो, आपको लग रहा है मोदी जी का यहाँ पर वर्चस्व अभी भी कायम है? वो रहेगा गुजरात में तो मोदी जी है। 27 साल हो गए हैं एक पार्टी को, लगता नहीं है कि बदलाव की जरूरत है या फिर काम अच्छा हुआ है दोबारा? काम हुआ है लेकिन ये मुख्यमंत्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा जितना चाहिए भूपेंद्र भाई पटेल नहीं है, जैसा मोदी ने मुख्यमंत्री के टाइम किया था उस टाइम आप देखो बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होता था, लेकिन अभी तो साला खुद भाजपा के पार्टी वाले बोलते हैं यार बिना पैसे दिए तो काम होता ही नहीं है। मतलब मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं लेकिन यहाँ के जो लोकल मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल उनके काम से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, नहीं है, जैसा चाहिए वैसा नहीं है। आप देखो मोदी जैसा मुख्यमंत्री आपको नहीं मिलेगा और नई प्रधानमंत्री मिलेगा मोदी जैसा। मतलब आप जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब संतुष्ट थे? हाँ तब अच्छा काम किया उन्होंने, अब उतना संतुष्ट नहीं। भ्रष्टाचार कम कर दिया था बहुत, अभी नहीं है इतना। यहाँ के सड़कों के क्या हाल है, आप तमाम गलियों से? यार सारे सड़क बेकार है यहाँ, आउट सिटी में तो सरकार ध्यान देती ही नहीं। एयरपोर्ट के आसपास का एरिया है ये और आप कह रहे हैं बेकार? कॉर्पोरेशन ध्यान देती नहीं है, आप देखो रोड के ऊपर, अब ये गली में घुसो आगे की गली में घुसो ये गली में जाओ आपको रोड मिलेंगे ही नहीं। अच्छा मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँगा, थोड़ा कानून व्यवस्था यहाँ ऐसा है क्या, रात को 10-11 बजे अगर आप निकलते हैं या कोई भी निकलता है छीना झपटी चोरी यहाँ नहीं होता? यहाँ बिल्कुल नहीं, ये एरिया में बिल्कुल नहीं है। मतलब कोई रात को 11 बजे भी सुरक्षित? 2 बजे निकलो, 2 बजे निकलो आप अकेले, रात को 2 बजे लड़की निकलेगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं इस बात से आप सहमत हैं? मतलब कानून व्यवस्था ठीक है? कानून तो सही है यहाँ, माँ बहन बेटियाँ बिल्कुल सेफ है ये एरिया में। हाँ ये तो अच्छा है पुलिस का था हमारे ये एरिया का कि यहाँ ना जीना, आप देखो कहीं भी सुनो कि चैन जब स्नैचिंग होती है दौड़ा दौड़ के भागते, बाकी ये एरिया में नहीं होता है।
इतना देख लो आप, यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है इस मामले में, मतलब गुजरात पुलिस ठीक है। हाँ हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर आपके पास समय हो तो आपसे भी बात करना चाहूँगा थोड़ा। क्या नाम सबसे पहले बताइए सर? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह, नरेंद्र भाई ये बताइए सबसे पहले, महंगाई को लेकर बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, महंगाई है या नहीं है? महंगाई है, जरूर है, महंगाई है, ये बात मानते हैं आप। क्या लग रहा है यहाँ विकास हुआ है? गुजरात मॉडल की बहुत बात होती है, अहमदाबाद एरिया है। विकास इसको कहते हैं कि जो अपने पास में मूड़ी होवे या कमा के या उसमें से बचत करके जो विकास करे उसे विकास कहते हैं। नहीं बच रहा है आपको? नहीं बच रहा है, उसमें से माइनस हो रहा है, प्लस तो होने की दूर रही बात। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल पे इतने भी हाई फाई दाम नहीं है कि लोग डलवा ना सके। कौन बोलता है नहीं है? पहले कितने थे और आज कितने हैं कम से कम? क्या लगता है सीएनजी डलवाने के बाद आप 2-4-5 रुपए अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के बचा लेते हैं? नहीं बचा पाते। पहले ना बचा लेते थे, अब नहीं बचाते। काम उस हिसाब से है नहीं? अब नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। सरकार एक चीज़ और कहती है, महंगाई हुई है ये मानती है कि थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन लोगों की कमाई भी दोगुनी हो गई है, ऐसा है? है, लेकिन है ना जो कस्टमर जो चाहता है वो है ना उसके मुकाबले है ना महंगाई डबल है, उसके मुकाबले डबल है। हाँ जी, कमाई उतनी है, मतलब खाना खर्चा चल रहा है, आदमी बचा नहीं पा रहा, बचा नहीं पा रहा, एक रुपया भी नहीं है माइनस। क्या लगता है सरकार का कैसा माहौल लग रहा है इस बार? दोबारा बीजेपी की वापसी होगी या फिर किसी और पार्टी को मौका मिलेगा? हम तो बोलते हैं दूसरी और आए तो बेटर रहने, और आना भी चाहिए। आप चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, 27 साल हो गए हैं, बहुत हो गया है। बदलाव में किसे देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल, कांग्रेस है? हम तो आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए, नए इंसान को आपको मौका देना चाहिए। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी से उम्मीद क्यों है, कैसे है? कुछ क्योंकि वो उनका काम बहुत सक्सेसफुल और बेहतरीन और अच्छा है। फ्री बिजली, फ्री इलाज, ये सब कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी है, गुजरात की जनता इसके चक्कर में नहीं आएगी, और केजरीवाल कहते हैं कि इससे एक गरीब इंसान को 2-3 हज़ार रुपये हर महीने बचेंगे। आपको क्या लगता है ये सही है? सही बात है, बचेंगे, जरूर बचेंगे साहब। जबकि बोतल में गैस के में देखो 1000 रुपये सीधे हो गए, ये 15 साल में कम से कम 500-700 रुपये जो सब्सिडी 185 रुपये आती थी वो भी नहीं आती है, जबकि उससे दुगना है ना सिलेंडर में LPG में है ना भाव बढ़ गए। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ही है, आम इंसान जैसे तैसे करके खर्चा चला रहा है। चला रहा है, ठीक है। आप बदलाव चाहते हैं ना? बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।